हेलो मैं सोनिया बोल रही हूँ। सोनिया, मैं अभी अभी तुझे को फोन करने वाला था। मैं तुझे बताना चाहता था कि जो कुछ भी तुमने देखा और समझा वो सब गलत है। देखो, मैं फोन पर कुछ भी सुनना नहीं चाहती। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ? मड आइलैंड, शाम को 5 बजे। सर, आपके 15 दिन विदेश में रहने से ऐसा लगता था जैसे यहाँ की सारी रौनक आपके साथ चली गई हो। कोई भी लड़की की लाश ना मिलने पर पुलिस भी शांत हो गई। अभी उनकी शांति खत्म कर देते। लगता है ये वही गैंग के लोग हैं जो दिन दहाड़े लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। खबरदार, आगे मत बढ़ना। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ से जिंदा उठाकर ले जा सको। नहीं नहीं, फाइट नहीं। तुम जैसी लड़कियां फाइट करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए बनाई गई हैं। और तुम जैसे गंदे लोग बात करने के लिए नहीं, लात खाने के लिए बनाए गए हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। यहाँ मैं आइलैंड पर पुनी गैंग ने एक लड़की पर हमला बोल दिया है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, आप फौरन आ जाइए। ओवर। I'm just reaching. अर्जुन भाई साहब, भाग्य शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एन वक्त पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। एन वक्त पर नहीं आता तो क्या होता? यहाँ जूडो खेलने आई थी। मैं अजी से मिलने आई थी। और वो गधा नहीं है? नहीं। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो ये इलाका खराब है, तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। जी चलो, घर छोड़ देता हूँ। तुम दोनों की शादी जल्दी करवा देते हैं ताकि तुम्हें अकेले नहीं घूमना पड़े। नहीं! हटन! सोनिया, तुम ठीक हो? हाँ। Are you sure? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आप उसके पीछे जाइए, प्लीज जाइए। सोनिया, तुम्हें गोली किसने मारी? मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नहीं सोनिया, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुमने जो देखा, सोचा, समझा सब गलत था। प्रीति तो मेरे बचपन का खोया हुआ प्यार है। मैं तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूँ, ना वो बच्चलन है ना मैं धोखेबाज। धोखेबाज तो
मेरी जिंदगी है जो मेरा साथ नहीं दे रही। अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी। सुनिया, भगवान करे तुम्हारी और प्रीति की जोड़ी क्यामत तक सलामत रहे। तुम्हारे बड़े भैया। सोनिया, सोनिया, क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं है, बल्कि बहुत ताजुब में पड़ गए हैं। ताजुब? हाँ, तुम्हारे भाई साहब के सर में एक बुलेट का बहुत बारीक टुकड़ा फंस गया है। बुलेट का टुकड़ा? और यही कारण है तुम्हारे भाई साहब की बेहोशी का। मेरी किस्मत अच्छी थी अनीता के भैया। ये अजान तो क्या पूछना चाहता है? तो क्या सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक कमीने ने मुझ पर गोलियों की बुछार कर दी थी, ये समझो कि तेरा भाई बच गया। इसका मतलब है कि गीता की मौत बीमारी से नहीं हुई। गीता की मौत और मेरे जख्मी होने के बाद वो हुड वाला दिल्ली से चला गया। इतना बड़ा हादसा घर में हो गया और आपने मुझे कुछ नहीं बताया, क्यों भैया? इसलिए कि तुम पढ़ रहे थे। मेरी बहन और भाई से बढ़कर मेरी पढ़ाई नहीं थी भाभी। एक्सक्यूज मी प्लीज, विजिटिंग टाइम इज ओवर। ओके। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि गोलियों का ये छर्रा अपने दिमाग से मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले उस कुत्ते को खत्म करूंगा। भैया, इस गैंग को खत्म करने की जंग में आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूं। क्या ये? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी बहन सोनिया है। क्या आप बता सकते हैं ये मटालन पर क्यों गई थी? अजीत से मिलने। अजीत से मिलने? ओह, आई सी। आप अजीत के नाम पर चौंके क्यों इंस्पेक्टर साहब? तुम्हारी बहन के लाश के पास जो पिस्तौल हमें मिली है उस पर अजीत की उंगलियों के निशान पाए हैं। अजीत, तूने मुझसे मेरी बहन छीनी है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। अजीत, अजीत कहाँ है तू? सामने अजीत, अजीत। क्या बात है हेमंत? तूने मेरी बहन मुझसे छीन ली है, आज मैं तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगा कमीने। क्या बकवास करते हो? सोनिया का खून और मैंने किया है? तो क्या वो अपने आप मर गई? क्या बिगाड़ा तब तुम्हारा उसने, जो तूने उसे एक रास्ते का कंकड़ समझकर फेंक दिया? हाँ बोल। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं हेमंत, सोनिया का खून मैंने नहीं बल्कि खूनी गिरोह ने किया है। खूनी गिरोह के हाथों मरने वाली लड़कियां किस तरह मरती है ये मुझे मत सिखा, समझे? हेमंत, मैं अब भी कहता हूं हाथ रोक ले, वरना मैंने भी अपने हाथों में चुड़िया नहीं पहन रखी है। चुड़िया नहीं पहन रखी? तो उठा हाथ, उठा हाथ, उठा। We'll be right back.
बाहर आई है, हाँ? इसने मेरी बहन को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, सुने को जब गोली लगी थी तब मैं वहां मौजूद था, अजीत तो वहां था भी नहीं। तो फिर पिस्तौल पर उसकी उंगलियों के निशान कैसे आए? अजीत बाद में वहां पहुंचा और गलती से उसने पिस्तौल उठा लिया। मेरा भरोसा रखो, सोने के कातिल को मैं कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर दो हफ्ते के अंदर अगर असली कातिल को आपने मेरे सामने नहीं किया तो मैं अजीत को ही कातिल समझूंगा, फिर आपकी पूरी पुलिस फोर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।